हेलो दोस्तों, मैं प्रभात कुमार यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग यूपी आर्बिनल TG2 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो फ्रेंड्स उसमें हम लोगों ने फाइनली 6 पार्ट में सॉल्व किया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। फ्रेंड्स, आज हम लोग फाइनली आ गए हैं 2019 का UPPCL TG2 का पेपर सॉल्व करेंगे। हाँ दोस्तों, 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे UPPCL का। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल कॉइल से जुड़ी होती है। दोस्तों, किसी डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल होता है वो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। क्या दोस्तों, जो इंटरपोल होता है आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इसे हमें याद करके ही जाना पड़ता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी पूर्णतः आवेशित सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? दोस्तों, जो सीसा मतलब लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व पूछता है, तो दोस्तों जो विशिष्ट गुरुत्व होता है लेड एसिड का वो कितना है? 1280 होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, दूसरे नंबर में दूसरा ऑप्शन सही है, लेड एसिड बैटरी का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो 1280 होता है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, तीन नंबर कह रहा है, विच टाइप्स ऑफ स्विच इज यूज इन द स्टेयर केस वायरिंग वेयर वन लैम्प इज कंट्रोल बाई मोर देन टू प्लेस। दोस्तों, इसमें कह रहा है कि स्टेयर केस वायरिंग में कौन सा स्विच प्रयोग किया जाता है जिसे हम एक लैम्प को कई जगह से मतलब लगभग हम दो स्थानों से कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इंटरमीडिएट स्विच प्रयोग करते हैं। दोस्तों, तीन नंबर में पहला ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एन इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव, दोस्तों एन इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव कह रहा है कि एक इंसुलेट सामग्री होना चाहिए। एक इंसुलेट सामग्री मतलब एक कुचालक पदार्थ में क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, एक कुचालक पदार्थ में लो कास्ट मतलब जो उसका कास्ट हो कम होना चाहिए और हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब उसमें अधिक कुचालकता होना चाहिए और मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है मतलब मजबूती उसमें अधिक होनी चाहिए। तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, पाँच नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन आया था इसमें 2019 में। देखिए क्या है, भारत में बिजली का प्रचालन आवृत्ति, दोस्तों ये भारत में जो हम लोग फ्रिक्वेंसी प्रयोग करते हैं, जो भारत की फ्रिक्वेंसी है, सीधे कहें तो भारत की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितना है? 50 हर्ट्ज। क्या है, भारत की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितना है? 50 हर्ट्ज है, या साइकिल प्रति सेकेंड होता है। फ्रेंड्स, या हम कह सकते हैं साइकिल प्रति सेकेंड या हर्ट्ज ही बोल सकते हैं। तो दोस्तों, भारत की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। दोस्तों, पाँच नंबर में 50 हर्ट्ज सही है, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, आगे चलें पाँच नंबर क्वेश्चन की तरफ। छः नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर, सीधा जानते हैं दोस्तों, बूस्टर के लिए हम लोग सीरीज जनित्र का प्रयोग करते हैं। किसका? सीरीज जनित्र का। दोस्तों, हम लोग अगर सीरीज जनित्र का बात करें, सीरीज जनित्र की बात करें, देखिए नए पेज पे चलते हैं। सीरीज जनित्र ये क्या होता है दोस्तों? सीरीज जनित्र में जो वाइंडिंग की जाती है मोटा तार होता है। क्या? मोटा तार होता है। और दोस्तों, लपेटे जो किए जाते हैं दोस्तों, जो सीरीज वाइंडिंग होती है इसमें क्या होता है? मोटा तार प्रयोग किया जाता है और लपेटे कम रखा जाता है और प्रतिरोध भी क्या होता है? कम होता है। प्रतिरोध भी क्या होता है इसमें? प्रतिरोध भी कम होता है। दोस्तों,
आगे बात करें इसकी जो धारा होती है सीरीज वाइंडिंग में जो धारा होती है वो आई ए बराबर होता है, आई ए बराबर आई एस ई प्लस इक्वल टू आई एल के। तो दोस्तों सीरीज में जो धारा होती है आई ए बराबर आई एस ई बराबर आई एल के, ये धारा होती है। दोस्तों अब बूस्टर की बात करें, ये जो बूस्टर कह रहा है इसका मतलब होता है वोल्टेज ड्राफ, क्या वोल्टेज ड्राफ कम करने के लिए इसका प्रयोग कहाँ होता है, वोल्टेज ड्राफ को कम करने के लिए। दोस्तों सीरीज की ही बात करें तो इसका इसे क्या होता है बिना लोड के चलाया जाता है, इसे लोड पर ही चलाया जाता है, मतलब इसे बिना लोड के हम नहीं चला सकते, इस पर लोड हम देंगे तभी चला सकते, नहीं तो दोस्तों इसकी जो गति होती है बहुत भयानक होती है। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं दूसरे जनरेटर की तरफ, दूसरा क्या है दोस्तों शंट जनरेटर। दोस्तों इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है पतले तार की होती है, और पतले तार के और लपेटे क्या होते हैं अधिक होते हैं, लपेटे भी क्या होती हैं अधिक होती हैं। दोस्तों जो प्रतिरोध होता है इसका सीधी सी बात है कि अगर तार पतला होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा अधिक होगा। प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों अधिक होगा। फ्रेंड्स इसे हम बिना लोड के चालू कर सकते किया जाता है, दोस्तों इस पर लोड नहीं दिया जाता है, लेकिन सीरीज मोटर में बिना लोड के चालू करेंगे तो इसकी गति क्या होगी भयावह हो जाएगी, बहुत भयानक हो जाती है। लेकिन जो शंट मोटर है इसे लोड पर लोड के चालू किया जाता है, सॉरी शंट को बिना लोड के और सीरीज को लोड दे कर चलाया जाता है। फ्रेंड्स आगे चलें, आगे है विभेदक जो हम लोग आर्क वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है किसी बैटरी का 40 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है और करंट क्या है 10 एम्पीयर, तो बैटरी की क्या चाहिए वोल्टेज चाहिए। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं इसमें प्रतिरोध जो दिया है कितना 40 ओम जो दिया है उसे लिख लेते हैं, आई दिया है कितना 1 एम्पीयर, जीरो एक के बाद दसमलव बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों, तो हम सीधे सीधे 1 एम्पीयर ले लेते हैं। पूछ क्या रहा है वी वोल्टेज पूछ रहा है, तो दोस्तों हम जानते हैं वी बराबर होता है आई इंटू आर के, आई का मान कितना होता है आई का मान दिया 1 और आर का मान दिया है 40, गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा 40, लेकिन क्या है वोल्ट, हम लोग वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो वोल्टेज का जो होता है मात्रक दोस्तों वो क्या होता है वी वोल्ट, तो दोस्तों 40 वोल्ट आएगा। तो फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7 नंबर में दूसरा ऑप्शन सही है, क्या दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है 40 वोल्ट, तो 7 में दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है। आए दोस्तों 8 नंबर की तरफ, 8 नंबर कह रहा है विच टाइप्स ऑफ फायर एग्जीक्यूजर इज यूज विथ इलेक्ट्रिक फायर। दोस्तों कौन सा मतलब हम इलेक्ट्रिक फायर के लिए कौन सा एग्जीक्यूजर प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फायर के लिए हम हेलान टाइप का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हेलान का मतलब हेलान जो होता है दोस्तों वह सी टी सी प्लस बी सी एफ से मिलकर बना होता है। दोस्तों हेलान जो होता है सीटीसी और बीसीएफ से मिलकर बना होता है, आइए हम देखते हैं सीटीसी क्या है और बीसीएफ क्या है। दोस्तों जो हेलान होता है सीटीसी और बीसीएफ से मिलकर बना होता है, तो सीटीसी का पूरा नाम होता है दोस्तों कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या कार्बन सी से कार्बन टी से टेट्रा सी से क्लोराइड, तो सीटीसी का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लेकिन दोस्तों बीसीएफ क्या था, बीसीएफ जो होता है ये है तो ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन, तो ये होता है दोस्तों बीसीएफ का पूरा नाम है ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन। तो दोस्तों सीटीसी और बीसीएफ से मिलकर हमारा हेलोन बनता है, हेलोन जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रिक फायर के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ल्यूमेन प्रति वाट की इकाई है। दोस्तों जो ल्यूमेन प्रति वाट किसकी इकाई है, तो होती है दोस्तों तीव्र कार्य निष्पत्ति,
दोस्तों अगर इसको कहते हैं ल्यूमिनस एफिशिएंसी, ल्यूमिनस एफिशिएंसी बराबर होता है दोस्तों, देखते हैं नए पेज पे इसका जो फार्मूला होता है, दोस्तों वो होता है प्राप्त प्रकाश, बटे प्रदान की गई शक्ति। मतलब हम कह सकते हैं ल्यूमन एफिशिएंसी का जो सूत्र होता है प्राप्त प्रकाश बटे प्रदान की गई शक्ति। प्राप्त प्रकाश जो होता है वो दोस्तों किस में मापा जाता है, वो ल्यूमन में मापा जाता है। और जो शक्ति होता है दोस्तों सब जानते हैं किस में, वाट में। तो हो गया क्या, ल्यूमन प्रति वाट, जो ल्यूमन प्रति वाट है दोस्तों, तो ये ल्यूमन एफिशिएंसी का मात्रक है दोस्तों। नौवें में दो नंबर ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स दसवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एबीओ एक एबोमीटर माप सकता है। दोस्तों सीधा हम जानते हैं कि एबोमीटर इसमें क्या है, एबीओ, ए का मतलब हुआ एम्पियर और वी का मतलब हुआ बोल्ट और ओ का मतलब हुआ ओम या प्रतिरोध को कह सकते हैं, ओम या प्रतिरोध। कहाँ उतरते हैं हम लोग, प्रतिरोध, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, एम्पियर, प्रतिरोध और बोल्ट। तो दोस्तों हम सीधा सीधा हम कहते हैं कि सीधा ये क्या है, किसकी बात कर रहा है, मल्टीमीटर का, तो दोस्तों ये है, तो हमने क्या कहा, ए का मतलब हुआ करंट, वी का मतलब ईएमएफ अर्थात वोल्ट, ओ का मतलब हुआ ओम अर्थात प्रतिरोध। तो दोस्तों पहला दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन सही है, एबोमीटर का मतलब हुआ करंट और वोल्टेज और प्रतिरोध को मापने वाला मीटर। तो दोस्तों क्या होता है, एबोमीटर। तो ये पहला ऑप्शन सही है। एबोमीटर का दूसरा नाम क्या है, मल्टीमीटर भी हम कह सकते हैं, कहना मल्टीमीटर भी है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।